प्रश्न पत्र वही रहेंगे, केवल अंक गणना का ही फॉर्मूला बदलेगा। एक सुर में बोले कांग्रेसी, वीरभद्र के विकास मॉडल पर हिमाचल में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की धुरी पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह ही रहेंगे। गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हुई रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं ने छह बार के मुख्यमंत्री के विकास मॉडल पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रतिभा सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व मुख्यमंत्री का निजी आवास हॉल लॉज दोबारा कांग्रेस का मुख्य केंद्र बन गया है। बुधवार को चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अभिनंदन समारोह के पोस्टरों से वीरभद्र सिंह गायब रहे। हालांकि गुरुवार को प्रतिभा सिंह के स्वागत समारोह में उनके होर्डिंग और बैनर लगाए गए। वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है के नारों से वीरवार को चौड़ा मैदान गूंज उठा। वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक शिमला में होने वाली प्रस्तावित है। अगले साल इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य गणमान्य प्रतिनिधि आएंगे। सम्मेलन से जुड़ी एक बैठक शिमला में होनी प्रस्तावित है। हालांकि शिमला में संभावित बैठक में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि ही आएंगे। इस संबंध में उपायुक्त शिमला के साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इसमें शिमला में इस बैठक को रखे जाने की परिस्थिति पर चर्चा हुई। वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की कड़ी में शिमला में भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 8 मई से असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर समेत 8 विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षाएं 85 अंकों की बजाय 100 अंकों की होगी। पहले परीक्षा 85 अंकों के अनुसार होती थी। मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को जारी की गई अधिसूचना के बाद 8 विभिन्न पोस्ट की परीक्षाएं 100 अंकों की होगी। आयोग शुद्धि पत्र एवं पुनर्विज्ञापित भी जारी करने जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया से बचने और प्रश्न पत्र की दोबारा प्रिंटिंग से बचने के लिए इन पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में पहले से ही 170 के बजाय 200 प्रश्न शामिल कर रखे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीसीए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 11 मई से विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी और सरकारी संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में तय शेड्यूल के अनुसार होंगी। परीक्षा का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों को तैयारियां करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। शिमला में स्थित UCBS के अलावा संजौली कॉलेज और उन सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी जहां बीसीए कोर्स संचालित किया जा रहा है। जिला सोलन में करीब 500 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में रोहड़ू के छुपाड़ी में बुधवार देर रात एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। चारों लोग शादी समारोह से वापस अपने गांव भुलाड़ा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार दिल्ली ही नहीं जयपुर, रागपुर और बिलासपुर से चलती है। चौड़ा मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुकेश ने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मंच से माफिया से मेरी भगत के आरोप उन पर लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन और पेड़ माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है। सरकार कार्रवाई करने की जगह आंखें मूंद कर बैठी है। मुकेश ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाल करने और कर्मचारियों पर दर्ज केस वापस लेने का ऐलान किया है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियां पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। अब पर्यटक न केवल दर्रे में बर्फ के बीच अटखेलियां कर सकेंगे बल्कि 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवार के बीच खुली सड़क में रोमांच का सफर भी कर पाएंगे। सड़क के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ऑनलाइन स्टॉक में परमिट लेकर एक दिन में सिर्फ 1200 वाहनों को ही रोहतांग तक जाने की अनुमति मिलेगी। बता दें कि बीते दिन सोशल मीडिया पर दर्रा पर्यटकों के लिए खोलने की सूचनाएं दौड़ने लगी। कई पर्यटक गुरुवार सुबह रोहतांग के लिए निकल गए लेकिन उन्हें मड़ी में ही रोक दिया गया।
प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बला का हवाई अड्डा जल्द ही धरातल में लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। SDM बला स्मृतिका नेगी ने बताया कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के साथ MOU के बाद हवाई अड्डा धरातल पर लाने के लिए काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि DC मंडी के दिशा निर्देश अनुसार आजकल पब्लिक यूटिलिटी के बारे में सर्वे चला हुआ है, जिसके तहत जो क्षेत्र बला हवाई अड्डे में आ रहे हैं उनमें जो भी सरकारी संपत्तियां हैं, इनमें सड़कें हैं, कार्यालय हैं, कोल्हे हैं, स्कूल हैं, पटवारखाने हैं, पंचायत घर हैं, इन सब की एक सूची बनाने के लिए SDM ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। खाद्य पदार्थों में लगी महंगाई की आग से पशुओं की खुराक के दाम भी अचानक बढ़ जाने से पशुओं के मुंह से सूखा भूसा तक छीन लिया है। दूध से महंगी पशु खुराक हो जाने के चलते पशुपालक भी अपने खूंटे पर पशु बांधने से हाथ खड़े करने लगे हैं। हालात ये हैं कि पहले ही बेसहारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे प्रदेश में अगर प्रदेश सरकार ने पशु खुराक के दाम नियंत्रित नहीं किए तो आने वाले दिनों में बेसहारा पशुओं के आंकड़े में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हो सकती है। वहीं दूध के दाम भी आसमान छू सकते हैं। पशु खुराक में शामिल खल, बिनौला, फीड, चोकर और चना छिलका के दाम तो पहले ही उनमें वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन रही सही कसर भूसे ने निकाल दी है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कोविड टीकाकरण पर जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण आरंभ करने जा रही है, जिसके लिए जिला ऊना में लाभार्थियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। राघव शर्मा ने कहा कि इस कार्य में सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करें। बैठक में DC राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में अब तक कोविड टीकों की लगभग 10 लाख डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 12 से 14 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग में टीकाकरण से अब तक वंचित विद्यार्थियों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में जाकर उन्हें कोविड वैक्सीन की खुराक देने के लिए कार्य योजना तैयार कर सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।